उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। अगर बात धरातल की जाए तो आज स्थिति यह है कि कुछ विभागों के अधिकारी अपनी मनमानी कर खुलेआम भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं। आरटीआई में खुलासा किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट विजय वर्धन ने संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीओ सुनील शर्मा ने सरकार द्वारा 3 जाँच चौकियों के निर्माण 19 लाख रुपये में करा लिए हैं। सुनील शर्मा ने बिना टेंडर पास कराए विभाग में सामान सप्लाई करते हैं, साथ ही 3 कोटेशन के माध्यम से 15 लाख रुपए से ऊपर के कार्य भी दे दिए गए हैं। जो कि चौकियों का निर्माण किया गया है वो भी प्लाई बोर्ड से किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि जिस रेट से कार्य किया गया है उस रेट में कंक्रीट का पक्का निर्माण हो सकता था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। खराब होने वाली, इन्होंने जो बनाया अस्थाई चेक पोस्ट बनाई है। अस्थाई चेक पोस्ट का ही मतलब है कि ये टेम्परेरी है। अभी ये सीजन भी मुझे लग रहा है, अगला सीजन भी क्या पता ये झेल पाए नहीं झेल पाए, क्योंकि हार्ट ये जो है बोर्ड से बनी हुई है लकड़ी के। मेरा ये कहने का है कि अगर यही काम अगर CCB करा दिया जाता तो ये उससे सस्ता काम बैठता। आपने देखा होगा इनका जो सबसे लोएस्ट जो जिस आदमी को काम दिया है इन्होंने 1660 रुपये स्क्वायर फीट पर दिया है, जबकि सारा बोर्डों का काम है ये। तो आप खुद लगाओ, अगर कहीं भी आप किसी बिल्डिंग को बनती है, कोई अच्छी बिल्डिंग बनती है और उससे अच्छा सामान मिलता लगता है तो जो है आप देखोगे 1600-1700-1800 रुपये का अगर मान लो रेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको 1660 रुपये दिया गया है। और मज़े की चीज़ यह है कि पहले PWD से इसका क्लेरिफिकेशन नहीं कराया गया, जबकि नियम यह कहता है कि अगर मान लो 15 लाख का भी काम है या तो पहले तो समाचार पत्रों में इसकी विज्ञप्ति डाली जाए।